उसका शैतान आपके घर घर में बैठा है। जब तक इसको नहीं निकालोगे तब तक वो नहीं होगा। इसको निकालने के लिए 3 मंत्र है। उसका दरबार बंद करो, उसका संस्कार बंद करो, उसका त्यौहार बंद करो। ये होली दीपावली हमारे त्यौहार नहीं है, ये हमारे महापुरुषों के कष्ट के त्यौहार हैं। वो मनाएगा जश्न मनाएगा, हम क्यों मनाते हैं भाई? साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अपना साहित्य पढ़ो, बाबा साहब का साहित्य पढ़ो, फूले का साहित्य पढ़ो, अम्बेडकर का साहित्य पढ़ो, रामचंद्र वर्मा का साहित्य पढ़ो, सरदार पटेल का साहित्य पढ़ो। जब हमारे महापुरुषों से एक छोटी सी गलती ने आज हमको यहाँ तक पहुँचाया, एक छोटी सी गलती, कौन? लौह पुरुष सरदार पटेल। क्या त्याग किया? त्याग और दान ही, दान मान ही, और त्याग हमारी पतन का कारण है। 12 वोट पाने वाले, 0 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया? क्यों त्याग कर दिया भाई? क्यों त्याग कर दिया? नहीं करना चाहिए ना? अरे लौह पुरुष और लौह पुरुष बने रहो ना गांधी के आगे। हमने त्याग कर दिया या घुटने टेक दिया? इसी तरह से कांशी राम ने गलती किया, गैर कैडराई महिला को बसपा की बागडोर संभाल दिया, गैर कैडराई। कैडर जब तक नहीं रहेगा ना तो शैतानों में साहब, शैतान क्या, और 3 पहचान समझ ले, शैतान भगवान को भी लात मारता है, शैतान भगवान से पैर झुलाने का काम करता है, शैतान पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा भी कराता है। और आप मानते हो वकील साहब अगर शैतान से कथा सुनेंगे तो क्या होगा? पहले गोबर रखता देखता है कि वकील साहब के पूर्वजों में जब गोबर भर दिया था वकील साहब से निकला कि नहीं निकला, इसलिए गोबर रखता है। या मेधाम देवग्रा प्रदेश पाठ्य तया मामद देखना मेधाग्नि मेधान पुरुषा रख दे स्वाहा, तुहार आहा हुई जब तुम स्वाहा हुई। ये संकेत है भागभूत सुता देवा पका मठ के भाले भाले दुर्गल चक्र से डालट स्वयं भूत भूषण सर्वाधिपत सर्वदा सर्व स्वर्गत शिव सत्य श्री शंकर पात्मान करके आपको विष पिला देता है, पाखंडों का विष पिला देता है। और उसी पाखंड में हम जिंदा रहते हैं, उसी में हम खुशी रहते हैं। एक कांवरिया कहाँ से पैदा हो गया भाई? अगर आपके घर में संविधान होता तो कांवरिया पैदा होता? महिलाएं 9 दिन पर सहा करती हैं, तीजा का पर सहा करती हैं, क्यों रहती हुई? मैंने पूछा, महिलाओं के बीच में मीटिंग गया था कल मैं, मुस्लिम महिला हिंदू महिला दोनों थी, यही आपके कर्मा एक गाँव है पहलू कपुरवा, वहाँ मैंने महिलाओं से पूछा कितनी महिलाएं व्रत रहती हैं तीज का? सबने हाथ उठा दिया। थमका इसका मतलब आप जानती हैं व्रत त्यौहार क्या है? हाँ पार्वती जी रहते हैं। थमका अच्छा, तो पार्वती जी कैसा पति मिला? सांप वाला, बिच्छू वाला, गोजर वाला, नंग धड़ंग, भभूति लपेटने वाला, यही पति चाहती हैं आप? और जो महिलाएं शादीशुदा थी वो भी व्रत रहती हैं, तो मैंने उनसे पूछा क्या आप दूसरा पति चाहती हैं क्या? तो यही है, जानो छानो तब मानो, बिना छाने बिना जाने मत मानो। उसमें तो एक तरफ परशुराम का फरसा, एक तरफ कमंडल, हम चले गए सत्ता लेने। 8 साल सत्ता में रहे लोग कहने में शर्माती है, बहुजन बनाने चले थे, कमंडल बन के रह गए। जो लोहिया की बात करेगा वो समाज
दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। धानव काल अखर मुंह दे रहा, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा साहब ने क्या कहा था? पहली प्रतिज्ञा है, 22 प्रतिज्ञा में पहली प्रतिज्ञा। यही हम लोग फेल हो जाते हैं कि किसी भी ब्रह्मा विष्णु और देवी देवता को हम नहीं मानेंगे। क्या ऐसा है आपके यहां? है तब कैसे बहुजन की बात करने चले हैं? पहले आवरण उतारो शैतानों का। शैतान मैं किसे कहता हूं? शैतान की पहचान समझ लीजिए आप लोग, या से टी एन करके गूगल खोल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। या से टी एन गूगल पर खोलिए, देखिए शैतान आ जाएगा। शैतान वह है जो ऊंच नीच की बात करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं ऊंचा बाकी सब नीचा। ये शिकारी कुत्ता है जो हम लोगों का शिकार करता है।